बिहार के पटना के एनआईटी की छात्रा ने खुदकुशी की है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा ने खुदकुशी की है। एनआईटी पटना में सेकेंड सेमेस्टर में कर रही थी पढ़ाई। छात्रा की खुदकुशी के बाद छात्राओं का हंगामा। छात्र कर रहे हैं एनआईटी निदेशक के आवास का घेराव। छात्रों का हंगामा और धरना चल रहा है। कैंपस में पुलिस मौजूद और पुलिस और एफएसएल की टीम इस वक्त मामले की जांच कर रही है। बिहार के पटना के एनआईटी की छात्रा ने खुदकुशी की है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी यह छात्रा और पटना एनआईटी में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही थी और छात्रा की खुदकुशी के बाद छात्र छात्राओं का हंगामा चल रहा है। हमारे संवाददाता मनीष इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या पूरा मामला है, अब तक क्या वजह सामने आ पा रही है खुदकुशी की? देखिए, खुदकुशी के कारण के बारे में तो अभी पुलिस नहीं बता रही है। कोई ऐसा सुसाइड नोट भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मृतक छात्रा है वो उनके रूम में दो और लड़कियां थी और वो दोनों जब अपने डिनर के लिए मेस में चली गई उसी समय ये घटना हुई। क्योंकि वो जो दोनों छात्राएं थी जब वो डिनर से लौटी तब उन्होंने देखा कि वो अपने रूम में जो है फंदे से झूल रही हैं। लेकिन छात्रों का जो रोष है वो दो चीजों को लेकर है। एक तो यह है कि घटना के तुरंत बाद उन्हें वहां बगल में ही वहां पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां ले जाने के बजाय उस रूम को सील कर दिया। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। दूसरा, छात्रों का ये आरोप है विशाल कि ये जो एनआईटी का कैंपस है ये अभी फिलहाल पटना शहर के अंदर है। ये काफी पुराना कैंपस है लेकिन इसका एक नया कैंपस पटना के आउटस्कर्ट बिहटा में बना है। लेकिन वहां पर अभी फिलहाल सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद जो कॉलेज का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो उन्हें बिहटा शिफ्ट करने के लिए दबाव डाल रहा है। जिसके कारण जो है छात्र कल देर शाम से ही, जब इस घटना के बाद से ही, वो प्रिंसिपल के और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। विशाल जी शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पटना एनआईटी में छात्रा की खुदकुशी के बाद छात्र छात्राओं का हंगामा जारी है।